Hello friends, welcome to Gates Meshers. The topic is UDP, that is User Datagram Protocol. Transport layer में हमने देखा कि दो protocols जो है वो सबसे ज़्यादा important है, that is TCP and UDP. तो हम आज इस वीडियो में UDP के बारे में बात कर रहे हैं कि User Datagram Protocol हम कहाँ पे use करते हैं, UDP का header के बारे में discuss करेंगे यहाँ पे सारा. तो UDP के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा, it is a connectionless protocol. Means, what is the funda of the connectionless? Let's say client want to make a connection with the server. Client अगर server से या कोई भी machine अगर किसी दूसरी machine से data transfer करना चाहती है, तो TCP क्या करता है? पहले connection establish करता है. Connection establish करने के बाद data transfer होना start होता है. But UDP it is a connectionless. मतलब हम यहाँ पे कोई connection नहीं बना रहे. It is not like a telephone network कि पहले dial-up होगा. पहले डायल टोन जाएगी फिर वहां पे कनेक्शन आए, नहीं. इट इज जस्ट लाइक अ पोस्टल सर्विस. मतलब मेरे को अगर कोई मेल भेजनी है, मेरे को अगर कोई यहाँ पे लेटर भेजना है, तो विदाउट एनी मेकिंग अ कनेक्शन मैं सिंपली लेटर को लिखूंगा, एनवलप में डालूंगा और सिंपली दैट लेटर आई विल पोस्ट. तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. यूडीपी इज जस्ट लाइक अ दैट सर्विस. मतलब पोस्टल की सर्विस की तरह काम कर रही है, जहां पे हम एक लेटर, जैसे लेटर को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ डेटा, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं पेलोड. पेलोड मींस द प्योर डेटा. उस प्योर डेटा को हम एनवलप में डालेंगे. वो एनवलप क्या है? टीसीपी हेडर. हर एक प्रोटोकॉल जो है वो अपना एनवलप, मतलब एनवलप इज जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, यूज करता है हेडर, जिससे वो लेटर जो है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचे. और उसके अलावा अगर मेरे को कोई और फंक्शनैलिटी चाहिए, लेट्स से कि अगर मैं 4 या 5 लेटर भेज रहा हूं, तो 4 या 5 लेटर जो मैं भेज रहा हूं वो एक ऑर्डर में होने चाहिए. उन लेटर्स में से कुछ ना कोई, कोई ना कोई, कोई भी मतलब लेटर जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए. मतलब मेरे पास अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, तो टीसीपी वो सारी फंक्शनैलिटीज को फॉलो करता है. बट यूडीपी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला जो है, विदाउट मेकिंग अ कनेक्शन वी विल सिंपली राइट द डेटा एंड दैट डेटा विल बी सेंड टू द सर्वर. अब वो डेटा जो है मैं सिंपली सेंड कर दूंगा किसी दूसरी मशीन पे कनेक्शन को बिना बनाए. उससे मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, या अभी हम प्रॉब्लम के बारे में भी बात नहीं कर रहे, हम सिंपली यहाँ पे करैक्टरिस्टिक की बात करें, तो दैट इज अनरिलायबल. अनरिलायबल मींस अगर मैं कुछ पैकेट सेंड कर रहा हूं, उसमें से अगर 1 या 2 पैकेट वहां पे लॉस हो जाते हैं, तो यूडीपी डजंट केयर अबाउट दैट लॉस. तो यानी अनरिलायबल है. इसके अलावा देयर इज नो ऑर्डरिंग. ऑर्डरिंग मतलब कि अगर मैं 3-4 पैकेट भेज रहा हूं, पैकेट 1, 2, 3, 4, तो वहां पे हो सकता है मेरे पास पैकेट पहले 3 पहुंच गया, पैकेट 4 पहुंच गया, पैकेट 2 बाद में पहुंचा. तो व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सीक्वेंस नंबर. यहां पे हम कोई भी सीक्वेंस नंबर को यूज नहीं कर रहे. टीसीपी के हेडर में बहुत सारी ऑप्शन थी, लेकिन यूडीपी के हेडर में सिर्फ 4 ऑप्शन है. पहली है सोर्स पोर्ट. सोर्स पोर्ट मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पोर्ट्स के बारे में, कि एंड टू एंड डिलीवरी के लिए हम यूज करते हैं पोर्ट नंबर्स. मैक्सिमम पोर्ट नंबर्स क्या हो सकते हैं? 0 to 2 raised to power 16 - 1, which is 0 to 65535. ये होती है पोर्ट्स की रेंज, जिसमें से 0 to 1, 0 to 3 तक वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं. उसके बाद कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स होते हैं और फिर कुछ नॉर्मल पोर्ट नंबर्स हैं जिनको हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं. अब अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, तो मेरे सिस्टम में कौन सी एप्लीकेशन डेटा सेंड कर रही है, उस एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होगा. वो पोर्ट नंबर मिलता कैसे? जब हम ब्राउजर ऑन करते हैं, जैसे ही हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया, ब्राउजर ओपन किया, और वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को एक पोर्ट नंबर असाइन कर देता. मतलब उस ब्राउजिंग की एप्लीकेशन को वहां पे एक पोर्ट नंबर मिल गया. अब उस पोर्ट नंबर के थ्रू अगर मैं किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं, या एफटीपी को एक्सेस कर रहा हूं, या सिंपल मेल वहां पे भेज रहा हूं, तो अलग अलग पोर्ट नंबर्स हैं. जैसे अगर मैं मेल सेंड कर रहा हूं, तो मेल के लिए हो सकता है मैं पोर्ट नंबर वहां पे 25 को यूज करूंगा. तो यानी मैं डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यूज करूंगा, सोर्स पोर्ट. ये दो ऑप्शन तो मैंडेटरी है. अदरवाइज एंड टू एंड डिलीवरी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अचीव ही नहीं होगी अगर मैं सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को फिल ना करूं. उसके बाद आता है लेंथ. लेंथ इज व्हाट? 16 बिट. ये यहां पे मैंने क्या लिखा, वो बिट्स, मतलब 16 बिट्स की लेंथ है. बट इट डजंट मीन कि लेंथ 16 बिट की है.
द एक्चुअल लेंथ इज 2^16. यहां पे 16 बिट्स है विच यूज टू रिप्रेजेंट द साइज, बट वट इज एक्चुअल साइज? एक्चुअल साइज इज 2^16. तो अगर मैं 2^16 की बात करूं, तो मेरे पास अगर 16 बिट का एक नंबर है, तो 16 बिट के नंबर में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? मैक्सिमम नंबर इज 65535. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको मेरे पास चार नंबर्स हैं, लेट्स से चार बिट्स हैं, तो मेरे पास कितने नंबर्स बने? 2^4, मतलब 16 नंबर्स बने टोटल. लेकिन 4 बिट में मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा? 4 बिट में मैक्सिमम नंबर वो होगा 1111, दैट इज 15. मतलब अगर 16 मेरे टोटल नंबर्स हैं, तो रेंज क्या बनी? 0 to 15, जिसमें से 15 मैक्सिमम नंबर होगा, 0 मिनिमम नंबर होगा. और यहां पे भी वही लिख रहा हूं मैं, 2^16 का मतलब है एक्चुअल में कहां तक आ गया? 0 to 65535. 2^16 क्या होता है? 65536. लेकिन नंबर्स की रेंज कितनी बनी? 0 to 65535. तो इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या है? ये. सो द मैक्सिमम साइज ऑफ द सेगमेंट कैन बी 65535, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल लेंथ. मतलब पूरे सेगमेंट की जो टोटल लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 65535, विच इज नोन एज टोटल लेंथ ऑल्सो. लेकिन उस टोटल लेंथ में दो चीजें हैं, एक तो हेडर है और दूसरा है पेलोड. पेलोड मतलब प्योर डेटा विच कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर. तो अगर मैं हेडर की बात करूं, तो यूडीपी का हेडर जो है वो फिक्स होता है 8 byte का. तो यानी अगर 8 byte का इसमें हेडर है, तो प्योर डेटा कैन बी, आप इसमें से टोटल में से 8 byte माइनस कर दें, तो 65527. दिस इज द साइज ऑफ द पेलोड. मतलब आप नॉर्मली कैलकुलेट कर, ये मैक्सिमम वैल्यू है. इससे कम हो सकता है डेटा, लेकिन इससे ज्यादा का डेटा नहीं आ सकता, बिकॉज 8 byte का तो हेडर लगना ही लगना है. विदाउट हेडर आप डेटा को सेंड नहीं कर सकते. उसके बाद आता है चेकसम. चेकसम इज यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल, मतलब एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं चेकसम. मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है कि चेकसम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. टीसीपी में भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, यूडीपी में भी. यूडीपी का हेडर लेते हैं, यूडीपी के हेडर की सारी वैल्यूज ले ली, जो भी सोर्स का पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट, ऑल द वैल्यूज आई हैव टेकन. उसके अलावा जो डेटा है उस डेटा को लिया, प्लस सूडो हेडर ऑफ आईपी. इन तीनों को मिला के हम एक चेकसम कैलकुलेट कर रहे हैं. चेकसम इज व्हाट? चेकसम इज लाइक अ हैश वैल्यू. मतलब एक डेटा की हम यूनिक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे उस डेटा में कुछ चेंज होगा, वो यूनिक वैल्यू, हैश वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जिससे रिसीवर को पता लग जाएगा कि यार जो हैश वैल्यू मेरे पास आ रही है और जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उन दोनों में वहां पे डिफरेंस है. तो इससे पता लग जाएगा कि देयर इज सम एरर इन द डेटा. यहां पे अब मैं अगर सूडो हेडर की बात करूं, तो सूडो हेडर ऑफ आईपी का मतलब क्या है? आईपी डेटाग्राम, जो हम नेटवर्क लेयर पे आईपी का हेडर यूज करते हैं, उस आईपी हेडर को, पूरे के पूरे आईपी हेडर को यहां पे यूज नहीं करते. उसमें से सिर्फ वही वैल्यूज उठाते हैं जो फिक्स रहती है, मतलब जो सेम रहती है, जैसे सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, टीसीपी जो हम यूज करते हैं, अपर लेयर का प्रोटोकॉल. मतलब 3-4 फील्ड्स ऐसी हैं जो आईपी हेडर में सेम रहती हैं थ्रू आउट द ट्रांसमिशन. सिर्फ वही वैल्यूज लेंगे. दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द एंटायर आईपी पैकेट, वी आर जस्ट टेकिंग द सूडो हेडर ऑफ अ आईपी. मतलब वो वाली वैल्यूज जिनकी, मतलब वो वाली एंट्रीज आईपी हेडर के अंदर जो कभी चेंज नहीं होती, जैसा कि सोर्स का आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, वो राउटर पे कभी भी चेंज नहीं होता, बट बाकी सारी वैल्यूज जो है, काफी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है. जब हम आईपी हेडर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा डिटेल में पता लग जाएगा. यहाँ पे सिर्फ आपको, यहाँ पे जनरल ओवरव्यू देखें, तो चेकसम में हम इन तीनों चीजों को लेके एक यूनिक हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उस वैल्यू को हम डेटा के साथ भेज देते हैं. जैसे ही रिसीवर के पास डेटा आएगा, रिसीवर भी इन तीनों चीजों को लेगा, और इन तीनों चीजों को लेके दोबारा से हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और वो हैश वैल्यू और जो सेंडर ने भेजी थी, अगर वो मैच कर रही है, तो यानी डेटा में कोई भी एरर नहीं है. और अगर हैश वैल्यू
रिसीवर की अलग आती है और जो सेंडर ने सेंड की वो अलग है, तो यानी इससे पता लग जाएगा कि देर इज सम एरर इन द डेटा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो अभी हमने बात की कि यूडीपी जो है वो अनरिलायबल है, मतलब अगर कोई एरर आती है या कोई पैकेट लॉस भी होता है तो यूडीपी डजंट केयर, हो ना तो ये ऑर्डरिंग का केयर करता है, पैकेट जैसे मर्जी पहुंचे, अलग अलग रास्तों से भी पहुंच सकते हैं या सेम रास्ते से, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स फॉलो करते हैं अलग अलग पैकेट्स, तो उसकी वजह से क्या होता है पैकेट जो है वो लॉस हो जाते हैं। लेकिन टीसीपी हमेशा डायलअप कनेक्शन पे काम करता है, एक कनेक्शन पहले बनाएगा तो सारे पैकेट उसी कनेक्शन पे पीछे पीछे चलते रहेंगे, तो उससे क्या है कि कोई भी पैकेट अलग अलग पाथ फॉलो नहीं करता। लेकिन यूडीपी में अगर मैं ए से बी डेटा सेंड कर रहा हूं तो एक पैकेट हो सकता है किसी और रास्ते से, एक पैकेट किसी और रास्ते से, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से वो पैकेट जो है वो ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से पैकेट लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये अनरिलायबल है तो क्या ये चेकसम मैंडेटरी फील्ड है? नो, दिस चेकसम फील्ड इज ऑप्शनल। IPv4 में ये फील्ड ऑप्शनल होती है, लेकिन IPv6 जो अभी आया नया वर्जन है उसमें चेकसम की जो फील्ड है वो मैंडेटरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ IPv4 के बारे में ज्यादा डिस्कस करें तो वहां पे ये फील्ड जो है वो ऑप्शनल, मतलब आप ना भी यूज करो तब भी ये चलेगा। तो यानी अगर मेन देखा जाए तो ये तीन वैल्यूज ही हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है यूडीपी के हेडर में। अगर यूडीपी अनरिलायबल है, मतलब पैकेट्स जो है लॉस हो रहे हैं या पैकेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और पैकेट्स अगर अनऑर्डर भी पहुंच रहे हैं, तो फिर ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो यूडीपी को यूज करती है रियल टाइम एनवायरनमेंट में? दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।